चलिए नहीं आज अच्छा लगा, अच्छा लगा ये प्रैंक था भाई, मेरी हार्ट बीट कम हो गई थोड़ी। हेलो वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ सुशीस वर्ल्ड। तो जैसे तुम लोग को ऑलरेडी पता है टाइटल और थंबनेल से कि हमने प्रैंक किया लियोन वॉकथ्रू पे। अगर तुम लोग को पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो मैंने उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, ऑल्सो टाइटल में तो टैग किया ही है, तो जाके चेक कर लो, उनका गेमिंग चैनल है। सो यस, हमने उनको प्रैंक किया एंड कैसे किया क्या किया तुम लोग देख लो। बट उससे पहले बता दूँ थोड़ा कि मैं उनकी जो सर्वर है डिस्कॉर्ड का उसमें मैं मॉडरेशन करती हूँ, मैं वहाँ पे एडमिन हूँ, तो उससे रिलेटेड कुछ हमने प्रैंक किया है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत हुई एक मीम से जो इल्यूशन ने भेजा, एंड उसके बाद उसने कुछ स्टिकर्स भी स्पैम किया जो ऑब्वियसली हमारा प्लान का ही हिस्सा था। फिर मैंने थोड़ा वेट किया, इमिडिएटली नहीं किया, थोड़ी देर वेट करके मैंने उसका फिर सारे मैसेजेस डिलीट कर दिया इंक्लूडिंग द मीम। एंड फिर पब्लिक चैट में जाके मैंने उसको वार्न किया कि ऐसे मीम मत भेजो, वो उनके लिए ऑफेंसिव हो सकता है, एंड ऑल्सो स्पैम मत किया करो क्योंकि बाकी लोग का फिर मैसेज ऊपर चला जाएगा, उनका मीम्स नहीं दिखेगा। तो उस पर उसने लिखा कि अरे उसमें ऑफेंसिव क्या था, एक नॉर्मल सा तो एडिट था, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा फ़ोटो लेके ऐसा मीम बना के किसी ने डाला तो तुम्हें कैसे लगेगा, तुम हंसोगी उस पर? तो उसने कहा कि हाँ मैं तो लाइटली लूँगी, मैं हंसूँगी उस पर। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा देर चैट में नहीं घिसना चाहती थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इन्वॉल्व हो जाए अदर देन हुआ इन्वॉल्व इन आई प्लान। तो मैंने कहा कि एक काम करो, वीसी आ जाओ, वहीं पे बात करते हैं। तो उतने में अनुप की एंट्री हुई। अनुप ने लिखा कि अरे मीम है, देखो इन्जॉय करो, एंड अगर ऐसा ही है तो फिर जिस पर मीम बना है उनको रिएक्ट करने दो, आपके बोले हो। तो उसके बाद हम वीसी में थे, तो अनुप भी आया ये दिखाने के लिए कि वो सॉर्ट आउट करने के लिए आया है। हमारा ये प्लान था ये भी कि हमारे वीसी में जाते ही वो आएगा, फिर वो हम दिखाएंगे कि वो उसने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इल्यूजन को मूव कर लिया ऊपर दूसरी मतलब वीसी में, एंड मैं भी वहाँ पर चली गई। फिर अनुप जाके उसने लियोन को मैसेज किया कि मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की बट हुआ नहीं, वो लोग प्राइवेट वीसी में चले गए, आप देख लेना करके। तो अभी देखो कि उन दोनों के बीच में क्या लाइक चैट हुई और उसके बाद हमारा प्रैंक कैसे गया। फिर मिलते हैं, देख लो अभी, एंजॉय करो प्रैंक। नहीं ये तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ये छोटी सी बात थी, कितने सारे लोग क्या क्या लिख के जाते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ तो उनको बैन दिया जाता है, उनको टाइम आउट दिया जाता है, उनको समझाया जाता है। नहीं दिया जाता है, कई लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। नहीं उनको तो जो भी मॉड्स होते हैं वो देख लेते हैं, अगर मॉड्स नहीं है तो नहीं, उनको भी उन लोगों को टाइम आउट दे देते हैं। टाइम आउट नहीं देते हैं, आप कुछ नहीं करते हो मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें क्या स्पेशली, मैं तो तुम्हें टाइम आउट भी नहीं दिया, आपने सीधे मेरे को वो डिलीट भी कर दिया, कुछ बोला नहीं, उल्टा आप भी कह रहे हो कि मेरे ऊपर फोटो बनती है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आप मिसयूज कर रहे हो ना। अरे पर ऐसे नहीं होता है, मैंने सिंपल सा एडिट बनाया। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नहीं अभी हुआ क्या है एक बार मुझे बता दो। हे इल्यूजन, इल्यूजन आप मुझे वो मीम भेज दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मुझे जरा उस पे डीएम कर दो आप। ठीक है हां एक बार मुझे डीएम कर दो आप। जहाँ से तुमने लिया था उसका लिंक है कहीं पे? अरे मैंने एडिट बनाया। अच्छा अच्छा खुद बनाया। अच्छा 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 ओके ओके। नहीं नहीं वो नहीं 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 सुरक्षा ने अगर बोला है ना कि वो इल्यूजन, सुरक्षा एक सेकंड ना, देखो अगर अगर सुरक्षा वो चीज मना कर रही है ना तो उसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है कि वो ऑफेंसिव कोई ले सकता है, ठीक है, सिर्फ वही रीजन नहीं है इल्यूजन, पहले तो ऐसा समझो आप,
ठीक है, उनका जो सेंस है ना ऐसा कहने का, वो सर्वर के पर्सपेक्टिव में है कि अगर ये चीज, मतलब अभी मैंने वो मीम देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज किसी, जैसे मान लीजिए बॉडी शेमिंग है, ठीक है, तो बॉडी शेमिंग के रिलेटेड अगर कोई चीज हम डालते हैं, ठीक है, अगर अगर कोई चीज हम डालते हैं, तो हम अपने बंदों को थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जो नए बंदे होते हैं उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है ना, कि ये मत करो, वो मत करो, वो भी मानेंगे नहीं और फिर मतलब गुस्सा करेंगे। जो पुराने लोग होते हैं उनको ना, जैसे सुरक्षा हो गई है ना, बाकी के मॉड्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि वो ना उन्हें जैसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वाली चीज मत करो, क्योंकि आप इसका इम्पैक्ट सोचो कि कल को अगर लोग इसको करना शुरू कर दें। आई नो नहीं करते हैं, हम लोग जितना प्रिवेंट हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कल को और भी लोगों ने कुछ कुछ करना शुरू किया, मान लीजिए किसी लड़की की फोटो लेकर, यहीं पर मान लीजिए सुरक्षा या आप या आस्था हो गई या कोई भी हो गया, अगर किसी की फोटो लेकर कुछ मीम बनाना शुरू किया और जिसमें वो लोग कंफर्टेबल नहीं हुए, तो ना ये डिस्कशन फिर बहुत अलग ट्रेल में चला जाता है। जैसे अब किसी ने मान लो बना दिया, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो वो ये बोलेगा कि यार उनको बनाया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो मैन वुमेन है ना, ये फेमिनिस्ट अरे वो पर फेमिनिस्ट। भैया मैंने वो वो मीम का वैसा है स्क्रीनशॉट भेजा ही है। नहीं, ओके, नहीं, इल्यूजन मैं समझ रहा हूँ, इल्यूजन बिल्कुल वो बिल्कुल टेंशन बॉडी मत लो, शेमिंग से रिलेटेड भी नहीं है। मैंने सिंपल से डाला था वो अरण्या पांडे वाला लाइन सिर्फ मीम बस। ही नहीं ना, उसके साथ स्पैम भी किया था। स्पैम के लिए तो आई सेड सॉरी था। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे ये मीम है, जैसे मीम है, मीम ठीक है, ठीक है, लेकिन सुरक्षा का जो कंट्रोल करने का वो है ना, कि मतलब इस चीज को जितना वो कंट्रोल कर पाए, हर एक मॉड यही करेगा कि वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। असल में क्या है ना कि जैसे आप कुछ बुरा नहीं सोच सकते हो कम्युनिटी के बारे में, इल्यूशन है ना, हमें पता है ना, सुरक्षा को पता है और बाकी लोगों को पता है, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं। मतलब यही मेरा सेंस होता है बताने का अलग से, कि जो चीज दिख रही होती है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में वो मना इसलिए किया जा रहा होता है क्योंकि आपको तो हम समझा लेंगे, है ना, आप हो लंबे समय से, तो आपको मैं समझा सकता हूँ, सबको समझा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं, जैसे कुछ लोग नए नए लोग आते हैं, वो झगड़ा करके चले जाते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, मैंने ऐसे बनाया। अब जैसे मान लीजिए कल को कोई फोटो किसी की और एडिट कर दे, और मान लो उसको ना अच्छा लगे, वो मना भी नहीं कर पाएगा या कर पाएंगी, है ना, और आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा होगा कि भाई उसको तो अलाउ किया था, मेरे को क्यों नहीं अलाउ किया। फिर ये जो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं ना, उसमें फिर हमें समझ में ये नहीं आता है कि हम इधर डांट खाएं या उधर वाले को समझाएं, ऐसा रहता अरे है। पर मेरा ये था कि आप रिएक्ट करो या और कोई बोले, इन्होंने कुछ किसी ने रिएक्ट मैंने करी आपको जैसे स्क्रीनशॉट बनिए भेजा है रिएक्शन उसका पर। हाँ हाँ नहीं, नहीं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, नहीं मीम अच्छा है, मीम अच्छा है, मीम अच्छा है, इल्यूजन आई एग्री, मीम अच्छा है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ऐसे कोई चीज हुआ करे ना, तो जैसे एक बार सवर में है ना, मुझे पता है कि ऐसे वो हाँ चीज, पर ऐसे अलाउ कर दिया तो फिर आगे जाके लोग बाकी लोगों का भी बना के भेज देंगे, हाँ मैं नहीं, उनको तो कैसे कंट्रोल अगर करूंगी। नहीं, अगर कोई बाकियों का करता है तो फिर हम लोग जरा इंटरवीन करेंगे, है ना, बाकियों के हाँ लिए। क्योंकि आप कंटेंट हाँ क्रिएटर हो, आपका तो हाँ बनेगा ही बनेगा। नहीं, इसको असल असल में नहीं, इल्यूजन चक्कर क्या है ना, कि मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि आप बुरा नहीं सोचते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ उल्टा सीधा करने चले आते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो कुछ उल्टा सीधा करें, काम ही यही है उनका, ठीक है। तो इसीलिए इसको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखो आपने भी देखा होगा, आप भी काफी लंबे समय से हो कम्युनिटी में, तो हम हाँ लोग एक रूल बनाते हैं, है ना, मतलब सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि भाई चलो ऐसे कम्युनिटी अच्छी चलेगी, लेकिन फिर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि भाई कम्युनिटी उसमें अच्छा फील नहीं कर रही है ना, उनको इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं ऐसे लेके चलता था, हर कोई मॉड भी ऐसे लेके चलता था कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो हम लोग थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला जब सिनारियो हुआ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हो, आप समझ सकते हो कि बाकियों पे अगर कोई करेगा तो एक बार उसको टोक देंगे कि यार इस पे थोड़ा सा अवॉइड करो कॉल लेके, ठीक है। पर आई थिंक ये वैसा किया सबसे तो फिर वो लोग मुझे ही बोलेंगे कि उसको तो अलाउ कर दिया था, हमें क्यों अलाउ नहीं वो कर नहीं, तो कह देना कि लियोन के ऊपर आप बना सकते हो, बाकियों के ऊपर आप थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर लियोन वॉकथ्रू का ये एक सर्वर बना हुआ है, तो आप उन्हीं के ऊपर बनाओ, वो ज्यादा बेटर है।
ठीक है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना उन सबको हम अलाउ कर देते हैं, क्योंकि भाई उनका जब तक लोग मीम नहीं बनाएंगे तब तक लोग हंसी मजाक नहीं करेंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपस में मतलब इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ता है उससे। मैं इनको कब से समझा रही हूं। नहीं देखो, जो आप कह रहे हो ना इल्यूजन वो भी सही है, और जो सुलक्षा जो कर रही है इस वक्त वो भी एकदम सही है, ठीक है। उन्होंने सीधा डिलीट कर दिया, कुछ बोला नहीं, सीधा नहीं, वो इसलिए वो तो मुझे डिलीट करके फिर बताना पड़ेगा। हाँ वो सकती हूँ मैं, जैसे मान लो अगर तो डिलीट करना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो अभी उसको डिलीट करना ठीक था। एक काम करो इल्यूजन अब वापस से डालो, ठीक है, और मेरे को टैग करके डाल देना उसमें, ठीक है। ठीक है हाँ, टैग करके डाल दो और शुड बी गुड, ठीक है। वो देखो इल्यूजन ऐसा मतलब ऐसा मत सोचना कि सुरक्षा ने कुछ गलत किया है, वो किया उन्होंने एकदम सही है। आप उनके पर्सपेक्टिव में एक बार सोच के देखिएगा, है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब अगर आप भी उनकी जगह पे होते तो शायद आप भी यही करते कि मतलब पहले आप उसको चीज को हटा देते हैं उसके बाद आप वो करते हैं। अब देखो जैसे ये डाल दिया, अब मैं क्या करूंगा इस पे मैं अच्छे से मार देता हूँ रिएक्ट, ठीक है, ताकि लोग जो है समझ जाए कि हाँ भाई ये सब चीजें अलाउड है। हाँ तो ऐसे तो कुछ भी करेंगे वो लोग फिर। नहीं मेरे ऊपर बनता है बनने दीजिए सुरक्षा, है ना, मेरे ऊपर अगर बनाते हैं तो बनने दीजिए, अगर किसी और के ऊपर बनाते हैं बिना परमिशन के तो भाई गलत है ना। कम्युनिटी आई थिंक इसमें ओके होगी, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं कि अगर ये आउट ऑफ हैंड जाएगा तो इस पर हम वापस सोच विचार कर लेंगे, तो नो वरीज, ठीक है। हाँ पर वो ठीक है, वो मैं समझ गई बिल्कुल कि एक जो रूल्स है वो मैंने भी फॉलो कर, पर इन्होंने जैसे बिहेव करा वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ज्यादा नहीं वो बिहेव की बात नहीं है, समझो कैसा है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल्स है, अब जैसे हाँ सुरक्षा ये अब प्रैंक चल रहा था। अच्छा अरे यार हाँ ये कर लो पहले, ये कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रही थी? हाँ रिकॉर्ड चल रहा है। अबे तेरे मत डालना भी कहीं पे प्लीज, ये तो मेरे चलते हैं। अबे यार हे भगवान भाई, हम लोगों के ऊपर मत प्रैंक क्या करो सुलक्षा, हम लोग का ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई वे रहता है, कभी कभार किस दिन ठेठा ठोटू हो जाए पता चला हमेशा के लिए पर लॉबी पड़े रहे, क्या फायदा है कुछ दिन पहले ही टीचर ने मत करो, फुल प्लानिंग करी हमने कि आप कब आते हो कब करेंगे। तुम लोगों से बड़ा कमीना पता है कौन है? अनूप, कोई गेस करो, अनूप अनूप तुम लोगों से बड़ा कमीना वो है, वो सब मैसेज करके बोल रहा है। अबे यार तो उसको भी हमने ही बलि का बकरा बनाया, उसको भी हमने ही इन्वॉल्व किया क्योंकि हमें पता था कि अरे उसकी मैसेज पे आपके आने की चांसेस ज्यादा है। हाँ उसने बोला कि अरे भाई हो गया बवाल, मैंने कहा अरे भाई 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 पहले मैंने कहा कि आप लोग आपस में मतलब खुद ही रिजॉल्व करें वो ज्यादा बेटर है, ऐसे बीच में कूदना तो हमें सही है यार। फिर देख दिन मैंने कभी लिख के भेजा उसको दी थी कि कैसे भी करो इनको वीसी भेजना है बस। वे यार ये तो भाई ले लिया यार, इसको तो मैं बिल्कुल पावर अप भी नहीं कर सकता हूँ। नॉट कूल नॉट कूल, तुम लोग भाई इतना इतना डरा देते हो। अबे तुम यार दोनों ससुरों भाई कितनी देर से ऐसे कंट्रोल करके रखा था मैंने। अबे यार मैं भाई निकल रहा हूँ, मैं जा नहीं नहीं नहीं, नहीं। है? अपने रिएक्शन तो दे नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देना है मुझे, मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, हर्ट हुआ है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम बक्का हो रहे हैं। नहीं अब बस बस बहुत छूट हो गई अब लोगों को। चलिए नहीं आज अच्छा लगा ये प्रैंक था भाई, मेरी हार्ट बीट कम हो गई थोड़ी। ठीक है बढ़िया इल्यूजन, बढ़िया खेल गई भाई तू। ठीक है, मैंने इमेजिन नहीं किया था मेरी पहली मुलाकात ऐसे होगी। भगवान भगवान भाई यार थोड़ी देर 5-10 मिनट तो मुझे शौक से बाहर आने में लग रहे हैं। चलो ठीक है,
भाई हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हेलो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती नहीं, है। नहीं, मेरी गलती नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। हेलो गाइस, आई होप कि तुम लोगों को इस प्रैंक में मजा आया हो। इफ यस देन लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना ताकि तुम लोगों को सारे नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियोस की। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड विल स्टे ट्यून्ड टू सुशी'स वर्ल्ड। बाय बाय।